बिल्लू? अरे भाई बहुत टाइम से दिखे नहीं। प्लीज प्लीज मेरा कुछ करो। नहीं इतने बालों का कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरे बाल तेरे नाम के साथ मैच खाए। अरे मेरा घर मेरा थाना उसके लिए कुछ करो। कल रात में पुष्पा जी के छत पे सोया था, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों मच्छर थे क्या? नहीं रे वो सास बहू का किट 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 चलते रहता ना। अब वो बात अलग है, उनके किट किट सुने बिना मुझे नींद ही नहीं आती। बदनाम भाई बढ़िया से दो चाय जरा कुल्लड़ में दो ना। ये नया चेहरा कौन है? अरे अपने अमीर भाई जो थे उनका छुटवा है लड़का है। भाई क्या हुआ आपके वालिद को? मैं आपके दुख में शामिल हूँ, बताया क्यों नहीं? कंधा देने आ जाते। हम किसे कंधा देने आ जाते हैं? अब्बा जिंदा एकदम हट्टे कट्टे हैं। अच्छा वो तो क्या है ना कि अब्बा इतने दिनों से घाटे में कारोबार चला रहे थे, तो हमने कहा ऐसा है तुम बैठो घर पे, अब हम संभालेंगे सारा कारोबार। कहा कि हमको नॉलेज है ना। अरे नॉलेज नहीं तुमको, अरे करिश्मा मैडम का ट्रांसफर का चक्कर चालू है, वही दोनों की किट पिट पिट चल रही थी। क्या? इसीलिए तो सुबह से ताक लगा के बैठे हैं कि करिश्मा मैडम कब बाहर निकले और हम कब थाना में एंट्री ले। थोड़ा सा मिस करूंगा लेकिन एडजस्ट कर लूंगा। अम्मा जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा है आज सबको हमारी तरफ से पार्टी। क्या बात है? क्या बिल्कुल सही समझे, क्या है कि अब हमारी सऊ की बिरयानी जो है ना 200 में बिकेगी, 200 में। देखते कौन रोकता अब हमको। और हमारी कटिंग चाय तो फुल दाम में बेचेंगे, वो भी कम दूध वाली। अरे भैया हफ्ते में 4 थप्पड़ चाय में दूध की कमी की वजह से खाते थे हम। यार मेरा तो ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, ना तो कभी शेविंग कराई ना तो कभी बाल कटवाई, लेकिन हाँ बराबर डर बना रहता था। अच्छा हुआ चली गई, झंझट खत्म। चली गई नहीं जाएगी, तू बाहर जाएगी वैसे हम थाना में इंटर हो जाएंगे, पर हसीना मैडम क्या है जज्बात में आ जाएगी मान जाएगी। हे भगवान कुछ करिश्मा दिखा दे और करिश्मा मैडम को यहाँ से बाहर भेज दे, मैं 700 उम्र का व्रत रखूंगा। हाँ पक्का रखेगा? हाँ रखूंगा एकदम पक्का। पक्का छोड़, तू छोड़। मैं अकेला क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं फिर? साथ में मरूं? ऐ भाग! ऐ! इसे आदत नहीं, मुझे आदत है ना। चुप! खड़े रहो। ऐ! हाँ? ये भी डांट रहा है? मैडम आप चाय पियो, मैं देखता हूँ। गद्दार! चुप रह! दुकान तो हमारी है। हम दोनों अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर अपने पढ़ाई के नोट्स को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। सुनो बे, ये देखो नई नौटंकी, कह रहे हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। स्ट्रेंज, आई कांट बिलीव कि लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। एक झूठ को इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि वो अब सच लगने लगा है। ऐसे तो फिर मुकेश और अंतरा गलत ही साबित हो जाएंगे। हो चुके हैं मैडम सर, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचा है सबको यही लग रहा है कि इस मामले में ये बच्चे गलत हैं और ये संस्कृति रक्षक सेना वाले लोग जो कर रहे हैं वो सही है। सब इन दोनों को ही दोषी ठहरा रहे, कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा जो इनोसेंट लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। संतोष शर्मा एक बात बताइए, इस वीडियो को वायरल होने से रोकने का कोई भी तरीका है? हाँ मैडम सर, अगर फोन ऑन ही ना किया जाए तो? फोन ऑन ही नहीं होगा तो कोई वीडियो ही नहीं देख पाएगा। वायरल होने से रोकने के तरीके के बारे में पूछ रहे हम। अब यस मैडम सर, मेरा एक फ्रेंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में है, हम दोनों ने मिलकर टेक्निकली इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया, तो अब ये वीडियो कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पर क्या? पर पुष्पा जी जहां जहां ये वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। करना पड़ेगा मैडम, वो वीडियो किसी भी हालत में पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वीडियो पापा ने देख लिया तो? अंतरा रिलैक्स, हमने वीडियो को आगे वायरल होने से जो है हमने रोक लिया है और जहां जहां सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हम उसे वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम, हम सबको पता है कि अगर एक वीडियो अपलोड हो गया तो उसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरे पापा ने वो वीडियो देख लिया तो? और क्या पता शायद अभी तक देख भी लिया होगा। पापा